हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंटरचेंजेबिलिटी पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके एडवांटेजेस कितने हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरचेंजेबल पार्ट्स आर पार्ट्स दैट आर फॉर प्रैक्टिकल पर्पोजेस एंड आइडेंटिकल, मतलब ये पार्ट्स प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल है बॉटल कैप्स का। तो बॉटल कैप्स जो होते हैं वो सभी बॉटलों के लिए आइडेंटिकल होते हैं, मतलब आप कोई भी बॉटल पे दूसरे कैप्स लगा सकते हैं। तो वो एक अच्छी मिसाल है इंटरचेंजेबिलिटी की। और अगला पॉइंट है कि दे आर मेड टू स्पेसिफिकेशंस दैट इंश्योर दैट दे आर सो नियरली आइडेंटिकल दैट दे विल फिट इन टू एनी असेंबली ऑफ द सेम टाइप। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नट एंड बोल्ट। सो जो नट्स एंड बोल्ट्स का रहता है वो स्टैंडर्डाइज पार्ट्स रहते हैं, जिनका एक इंटरनेशनल कोड रहता है जिस हिसाब से उनके डायमेंशंस रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर नट और बोल्ट ऐसा नहीं है कि वही दो एक दूसरे के साथ मैश होते हैं, कोई भी नट और कोई भी बोल्ट सेम स्पेसिफिकेशन में मैच हो सकते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है दिस इंटरचेंजेबिलिटी अलाउज इजी असेंबली ऑफ न्यू डिवाइसेस एंड इजियर रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग डिवाइसेस। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है टायर्स एंड रिम्स। जैसे जो टायर्स और रिम्स है जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, उनमें स्पेशली हर गाड़ी के लिए अलग से नहीं बनाना पड़ता है। वो एक पर्टिकुलर डायमीटर रहता है रिम का, पर्टिकुलर विड्थ रहता है जिसपे सभी टायर्स आसानी से बैठ सकते हैं। और इसमें जो रिम्स रहते हैं उसके वो भी इंटरचेंजेबल रहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के लिए सेम रहते हैं। वन सच पार्ट दैट कैन फ्रीली रिप्लेस अनदर विदाउट एनी कस्टम फिटिंग। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है गेयर्स का। तो जो गेयर्स रहते हैं वो हम कोई भी मशीन में दूसरा चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से मशीनिंग नहीं करनी पड़ती गेयर्स की। वो ऑलरेडी मशीन अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, उनका जो गेयर टीथ है उनका डायमीटर एडेंडम डिडेंडम वो सब स्पेसिफिकेशन से एक इंटरनेशनल कोड रहता है, वो कोड आप गेयर्स खरीद सकते हैं वो कोड से, और वो इजीली इंटरचेंजेबल रहते हैं। इसके लिए वो असेंबली भी उनकी इजी रहेगी और मशीन में लगाने के लिए आपको अलग से कोई दूसरी मशीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरचेंजेबिलिटी के। तो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो स्टैंडर्डाइज है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहता है उनका एक कोड रहता है, उस हिसाब से सारे मैन्युफैक्चरर्स उसे फॉलो करके उसे बनाते हैं। ईज ऑफ असेंबली एंड मेंटेनेंस। तो जो ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स रहते हैं उनकी असेंबली बहुत इजी रहती है। जिस तरह से आपने पुराने पार्ट को निकाला है उसी तरह से आपको नया पार्ट लगाना होता है, और उसकी मेंटेनेंस भी सेम रहती है क्योंकि सारे पार्ट्स आपको पता रहते हैं कि पहले कैसे असेंबल्ड थे। तो उसको लुब्रिकेशन और दूसरे जो सील्स वील्स चेंज करना है वो सब मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है। मास प्रोडक्शन कैन बी डन। सो स्टैंडर्डाइज होते हैं प्रोडक्ट्स, इसके लिए वो प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन हो सकता है, और ये बेनिफिशियल भी होता है जो हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक। तो मास प्रोडक्शन के वजह से वो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत सारी मात्रा में बनाया जा सकता है और वो इकोनॉमिक भी पड़ता है। स्पेशलाइज्ड मशीन कैन बी एम्प्लॉयड। जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जैसे कि हमने देखा ऊपर एग्जाम्पल्स में जो थे गेयर्स, तो हम एक स्पेशलाइज्ड मशीन ले सकते हैं जो सिर्फ गेयर्स बना सकती है पूरा टाइम, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक होगा। वो टाइम भी लेस कंज्यूम करेगा एक पर्टिकुलर गेयर बनाने के लिए, क्योंकि हम वो मशीन को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो जो लेबर रिक्वायर्ड रहेगा वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइज्ड मशीन आ जाएगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, जिस हिसाब से जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो भी सेटिस्फाइड होंगे। सो ये रहा ये था एडवांटेजेस ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।